हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं नई नाथ, यानी कि भाई शिव जी के मंदिर में। तो आपको वो मंदिर दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा मंदिर है। सारे लोग हम जा रहे हैं, हम घर से निकलने वाले हैं क्योंकि मैं ना थोड़ा लास्ट में तैयार हुआ था। सारे लोग गाड़ी में बैठे हैं, इधर देख सकते हो आप। महादेव जी का, महादेव जी का, हाँ नहीं करना आते। चलो भाई, चलो चल ऊपर बैठा गए बाबा। बाबा सर तू कौन है, कौन चले गए तो भाई भाई ऊंडे आए थे बस माला पैर। तो गाय जब अभी हम कमांडर गाड़ी के ऊपर बैठ चुके हैं और हम सारे जा रहे हैं। तो गाय जब अभी हम जा रहे हैं, देखो लाइन भी हमारे पास से गुजरी है। और अभी देखो एक पेड़ और आने वाला है, देखो देखो भाई ये देखो। तो गाइस गाड़ी के ऊपर बैठ के जाने का गांव में एक अलग ही मजा आता है। और आपको बता दूं भाई, मेरे घर पे कभी भी कोई आना चाहता है भाई सच में, तो शिव सिंपरा में आके है ना ये बिंदी का बड़ पूछ लेना। ये सबसे फेमस लोकेशन है मेरे घर की। ये देखो भाई कितना भारी पेड़ है। अभी ये टूट गया था इस साइड से, देखो ये टूट गया था इस टाइम पे। हम लोग जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में। ये देखो गाड़ी के ऊपर हम सारे लोग बैठ चुके हैं। और आपको बता दूं भाई, हम जा रहे हैं नई के नाथ भगवान, यानी कि शिव जी का मंदिर है वहाँ पे बास्को में, बस्ती के पास में, बास्को फाटक पे भाई यहाँ पे उसका मंदिर है। तो गाइज वो मंदिर की कहानी मैं ना वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, पहले आप ना मंदिर के दर्शन करो और कैसे कैसे जा रहे हैं, किस किस सिस्टम से कहाँ कहाँ से गुजरेंगे, तो वो चीज़ देखते रहो। तो गाइज आपको बता दूँ, ये हमारे सुवासा का पहाड़ है भाई। देखो इसका देख क्या हालत कर दिया, सब खा गए इसको। तो भाई ये मेरे बुआ जी का लड़का है, बुआ जी को लेकर आया था। बुआ जी पीछे बैठ के गाड़ी में, ये देखो समोसा आया था भाई ये। अब ये शिव जी के नहीं जाता है क्योंकि ये ना टीचर बन गया। ओए सस्पेंड भी करवा दो महादेव जी महाराज, अगर ना चलो देख ला जा। कसी ओहो। तो गाइस ये हमारे दिल्ली बम्बई हाईवे जो समोसा से निकला है भाई। और ये देखो पुलिया, ये समोसा में है भाई, हम जा रहे हैं पुलिया के नीचे से। अरे थोड़े से ऊपर है यार, तो ना ये देख। आज हम लोग पहुंच चुके हैं रामगढ़ की छोटी छोटी गलियों से गुजर रहे हैं। देखो भाई ऐसे बैठा हूँ, चलते जाओ भाई। सबसे छोटा मार्केट है रामगढ़, बहुत तकड़ा मार्केट है। ओ इधर से लेगा क्या भाई? ये रामगढ़ का मेन चौक है, बीच का चौक भाई, देख सकते हो। ओ तेरी, एक छोटा सा शिवजी का मंदिर भी यहाँ पे गाइस। रामगढ़ में पोलियो हाउस, यहाँ पे काफी सारे पोलियो हाउस लग चुके हैं गाइस। बढ़िया इनकम देता है, अगर किसी को भाई जमीन से कुछ करना चाहता है तो पोलियो हाउस खोलने में बहुत अच्छी इनकम देता है। तो गाइज अभी हमारा रामगढ़ बाजार क्रॉस करके अब आ गए हैं भाई हाईवे पे। अब जाएगी सीधे सर गाड़ी, इधर पेट्रोल पंप रामगढ़ गाड़ी देखो भाई। तो गाइज देखो सारे लोग चाय वाय पी के आ रहे हैं सौंदड़ में, मतलब 20-25 किलोमीटर चलते ही चाय याद आ गए भाई इनको। काहे ले बा, पुलिस वालों को पकड़ा, मन जाने जब इसमें सत्ता हूँ भाई अगले। तो गाइस अभी हम तुंगा में आ चुके हैं और तुंगा में उतर गए हैं। यहाँ पे हम बंदरों के लिए केले वगैरह ये सारी चीजें लेंगे। तो भाई देखते रहना, सारे लोग उतर गए। काहे बाबू धीरे से केला, नमक मिर्ची है धीमा। तो गाइस ये ले लिए हमने केले 22 kg बंदरों के लिए भाई, शिवजी के मंदिर में बांटेंगे वहां पे। ओए ले लो ऊपर केबिन में रख लो। तो गाइस ये बंदरों के लिए है केले, देखो। हाँ बुआ पीछे दे दिया है मैंने ला। ओ भाई बुआ मुझे पीछे ले रहा है गल्ला सारा, देख लो। बैठ चला, थैंक यू कामन राव। हाँ तो गाइस अभी हम चढ़ गए गाड़ी के ऊपर, बोलो। ये देखो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। चलो चलो
तो गाइस तुंगा से हम लोगों ने केले लिए बंदरों के लिए और अभी हम जा रहे हैं शिवजी के मंदिर। तो तुंगा का सीन आपको दिखा दूं भाई, तुंगा है ना भाई, चौड़ा चौड़ा है मार्केट में पूरा। ये देखो भाई तुंगा, तुंगा ही और क्या है। तो गाइस हम पहुंच चुके नई के नाथ। ये देखो भाई ये मेन गेट है, ये देखो भाई। तो गाइस इस मंदिर का नई का नाथ नाम क्यों पड़ा वो भी मैं आपको इस कहानी में पूरे वीडियो में दिखा। तो गाइस इधर मेन गेट से पहले यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, तो भाई यहाँ जाएंगे पहले, फिर जाएंगे शिव जी के मंदिर में। भाई सारे लोग गणेश जी के मंदिर को ढोक के आए हैं और आपको ना बताऊंगा नई नाथ जो शिव जी है, नई नाथ मंदिर, तो इसकी कहानी समझाऊंगा, इसका नाम जो नई नाथ है वो क्यों पड़ा था और क्या कहानी थी वो सारी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। चलिए आप मंदिर के दर्शन कर लो। बोल नई के नाथ की जय। चोरी को लगाया बेटे के बाप को। गाइस सीन देखना कितना प्यारा है। भाई यहाँ पे हम बांटेंगे बंदरों को पहले शिव जी के मंदिर से पहले। भाई ये देखो काफी सारे बंदर आ गए। ये देखो अरे आ रहा ले आ रहा प्यार से एक एक नंबर आएगा। आ जाओ ये झुमको ले आ। पूरी कैरेट खाली हो चुकी है, यानी कि 22 केजी पूरे केले थे। ये देखो पेड़ों में लेके जा रहे हैं, कितने सारे बंदर थे देखो। इन सभी को मिल गया भाई, दो दो तीन दिन सभी को मिल गया। होते हुए पहुंच गए जी देखो मंदिर के सामने। अभी जाएंगे मंदिर भाई। ये देखो नई के नाथ मंदिर में पहुंच रहे हैं और ये प्रसादों की दुकान वगैरह ये है, और अभी हम जाने वाले अंदर। और गाइस आप बने रहना वीडियो में, और क्योंकि आपको करवाएंगे नई नाथ भगवान यानी कि शिव जी के दर्शन। दास बाबा का दूल्हा है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत भाई शक्ति मैन तो धुने में रहती है। और आज को बता दो आपको कि मंदिर में क्यों आए थे, क्योंकि पापा जो चार धाम की यात्रा गए थे ना, तो वो सारा जल वल चढ़ाएंगे शिव जी के। देखो हाथ में जल है, ने प्रसाद और फूल माला ले लिए। तो गाय जब हम पहुंच चुके हैं नईनाथ के मंदिर में और यहाँ पे पूजन करवाएंगे पापा के हाथ से। दूध दूध और ये भोग जा रहा है भाई शिव जी के लिए। तो गाइज हम पहुंच गए नई नाथ के मंदिर में, यानी कि यहाँ पे शिव जी का मंदिर। यहाँ पे करवाए पापा के हाथ से पूजा पंडित जी ने, और आपको बता दूं गाइज ये है नई नाथ मंदिर। तो गाइज इस मंदिर की थोड़ी सी कहानी है वो आपको मैं बता दूं, ये बांसको में पड़ता है मंदिर बस्सी के पास में। हाँ तो गाइज इस मंदिर की कहानी कुछ स्पेशल है, आपको सुना दूं थोड़ा सा। इस मंदिर का नाम है नई का नाथ शिव जी। तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे यार नई का नाथ इस मंदिर का नाम क्यों रखा गया, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, उस टाइम की पुराने ज़माने की बात है ये। तो मैं आपको बता दूं उस टाइम पे एक बांसको में एक लड़का था, तो उसकी शादी हो गई भाई। तो शादी हो गई, तो जब बांसको में उस लड़के की शादी हुई तो उसकी जो वाइफ उसके साथ साथ फेरे खा के बांसको आ गई। बांसको आने के बाद जैसे शाम को वो पहुंच गए, और जब सुबह भाई दुल्हन तो स्पेशल होती है ना सबके लिए, तो सारे लोग सुबह उठते भाई दुल्हन को खाना खिलाओ,
तो दुल्हन के पास खाना लेके जाते हैं, जो वो लेडीज नई नई शादी होने के बाद बांसको में आई थी, तो उसके पास खाना लेके जाते हैं, तो वो बोलती है कि मैं सुबह शिव जी के जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो भाई बांसको में उस टाइम पे ना एक भी मंदिर नहीं था शिव जी का, तो भाई वो सोचने लगे कि भाई कहाँ लेके जाएं, तो ना कहीं उल्टे पुल्टे इंसान भी होते हैं। तो एक इंसान ने बोला कि अगर इसका शिव जी इतना ही बड़ा है ना, तो वो खुद आ जाएगा इसका जल चढ़वाने के लिए, यहाँ पे एक भी मंदिर नहीं है, तू भूखी मर जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज उस लेडीज के दिल में पता नहीं क्या हुआ, उसके माइंड में ऐसी क्या चीज़ हुई, वो ना बाहर निकल के जो अपनी बजरी होती है ना बालू, इसको बालू रेत बोलते हैं, बालू रेत, उसका शिवलिंग बनाया उसने। जो ये शिवलिंग दिख रहा है ना आपको, ये वही शिवलिंग है, उसने उस बालू का शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग के ऊपर उसने जल चढ़ाया। तो गाइज आज भी इस शिवलिंग के ऊपर आप देखोगे ना, इस पर चांदी का चादर चढ़ा हुआ है, इसको उठा के चेक करोगे तो खाड़ा, मतलब जो बीच में वो जल चढ़ाया था वो थोड़ा सा वो रेत के अंदर वो जो खाड़ा सा हो गया था, वो आज भी है इस शिव जी के शिवलिंग में। तो गाइज उसने जल चढ़ाया तो बालू रेत का शिवलिंग बिल्कुल वैसा का वैसा रहा, थोड़ा सा ऊपर से है ना एक थोड़ा सा खड्डा हो गया ऊपर बस, तो इस पे चांदी का परत चंडा रखा है। और गाइज ये वही मंदिर है, और वो मंदिर का नाम इसलिए रखा गया नई का नाथ, क्योंकि नई लेडीज बांसको में आई थी और उसने जल चढ़ाया था, उसके बाद शिव जी की मूर्ति वहाँ पे वैसी की वैसी रह गई, बालू रेत की मूर्ति है ये। तो गाइज ये इस मंदिर की कहानी थी भाई, बहुत ही प्यारा मंदिर है, अगर कभी आप आते जाते हो तो जल चढ़ाना जरूर भाई, दर्शन करके जाना। और ये मेरे पापा हैं जो धूने पे नारियल और प्रसाद चढ़वा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी इसलिए हम लोग गए थे, आज हमारा सहसरगढ़ था शिव जी के, 11 से लोटे जल के चढ़ाए हमने, और है ना पापा चार धाम की यात्रा करके आए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि पापा इतने मंदिरों में गए, तो ये मंदिर भी एक स्पेशल था, हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ जाते थे, हमारे पास ही पड़ता है 30-40 मतलब 50-60 किलोमीटर यहाँ से हम घर से पड़ता है ये दूर, तो हम लोग आज सारे लोग गए घर से, सब ने मिल के दूध चढ़ाया, सहसरगढ़ पूरा किया, पंडित जी ने पापा के हाथ से शानदार पूजा करवाई, शिव जी के एक एक जगह पर पूजन करवाया। और गाइज पूजन करवाने के बाद शिव जी के मंदिर के थोड़े ही दूर, गाइज आप अगर शिव जी के जाते हो ना तो थोड़े ही दूर जाना, यहाँ पे गोरखनाथ बाबा का धूना है। और आपको बता दूँ मंदिर वंदिर ज़्यादा भारी नहीं है, सबसे तगड़ी शक्ति है धूने में यहाँ पे, और है ना शिव जी के जाने के बाद यहाँ पे जरूर जाना। ये देखो गाइज वहाँ पे है शिव जी का मंदिर, इधर शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे है भाई बावलदास बाबा का धूना। तो गाइज हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं तो यहाँ जरूर जाके आते हैं, यहाँ पे भी हम घी नारियल और कुछ थोड़ी सी सामग्री है वो चढ़ा देते हैं, तो ना मन को भी संतुष्टि मिलती है, और आपको पता है गोरखनाथ बाबा का धूना तो भाई बहुत शक्ति है, तो आप भी अगर शिव जी जाते हो चढ़ाना। और आज हमने बनाया यहाँ पे बाटी और सब्जी, और सारे लोग मिल के आराम से सब ने खाना खाया, और भाई भोजन पर गाइज मंदिर से और यहाँ से फ्री हो गए, अभी हम जा रहे हैं घर, और अभी हम चढ़ रहे गाड़ी के ऊपर। ये देखो गाइज, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करना, और वीडियो को लाइक करना, शिव जी के नईनाथ भगवान के दर्शन करना, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं घर, मतलब सामान देना है किसान के लिए ऊपर, अब जा रहे हैं घर पे, बाय बाय।